गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज़ ये क्लिप होली के एक दिन पहले की है, चाहे जिस दिन होली का दहन होता है ना, तो इधर तो दहन के हिसाब से कुछ होता ही नहीं है। तो मेरी सिस्टर का कॉल आया था कि इस दिन मतलब क्या होता है कि हम लोग के साइड पे ना नज़र उतारी जाती, कहते हैं होली इस टाइम पे सबसे ज़्यादा नज़र लगी जाती है। और ये जो होली में जलता है ना, तो मतलब हम लोग के यूपी साइड क्या होता है कि मम्मी राई वगैरह लेकर ना उसमें ऐसे नज़र उतार के फिर वही होलिका दहन में डाल देते हैं, तो एक तरह ज्योति बलाएं होती उतर जाती। तो दीदी बता ऐसे उतार लेना तुम लोग भी अपनी नज़रें, तो वही मैं दीपक की उतार रही थी, फिर दीपक मेरी उतार रहा था नज़र। तो हम लोग मोस्टली ऐसी नज़र उतारते हैं, नज़र भी कई टाइप से उतारी जाती हैं। तो इस टाइप से भी आप बाती को तेल में डिप करके फिर आप उसको उतार सकते हो। तो यदि आपकी लगी होगी तो आपकी जैसे टप टप होता है ना, ये नहीं होगी। और यदि लगी है तो ये एक खट्टा है टप टप ना गिरता जाएगा, तो इससे पता चलता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? इसका मतलब हमें लग ही है थी। देखो आपके वो एक बार भी फड़ नहीं, उस दिन कितनी आपकी जब घर से आई कितनी फड़ फड़ हो रही थी यार। उतारना वाली बहुत सही होती है। मम्मी से बोले मम्मी और डालो वीडियो, मना करते ना वो डाला करो, छोड़ दो खत्म हो गई, छोड़ दो किनारे कर दो बाल निकाल। विश यू अ वेरी हैप्पी होली टू एवरी वन। और होप करती हूँ आपकी होली, अब तो जब तक ये ब्लॉग आ गया तब तक तो होली वहाँ इंडिया में मन चुकी होगी। एक्चुअली दिल्ली साइड तो आज ही होली है, पर हम लोग की यूपी साइड नेक्स्ट डे होली मनाई जाती है। जिस दिन होली चलती तो सेम डे है, पर जो नेक्स्ट डे होता है वो हमारे यहाँ कीचड़ की होली खेली जाती है, फिर उसके नेक्स्ट डे रंग की होली खेली जाती है। तो कीचड़ की होली में एक्चुअली पता क्या होता है, हम लोग के मेरा छोटा भाई है जैसे, जो तो वो क्या करता है, जैसे पुराने मटके वगैरह होते हैं ना घड़े वगैरह, तो उनमें क्या करता है जैसे मिट्टी वगैरह का घोल घोल के स्ट्रेच कीचड़ बना लेता है। फिर जैसे ही रात में सबके दरवाजे बंद होते हैं ना, तो वह सब 10-11 बजे सबके दरवाजे भट भट की आवाज आएगी, तो मतलब वो सबके घर पे जाकर ना मटके फोड़ता है। तो इस टाइप से हमारे यहाँ कीचड़ की होली खेली जाती है। जैसे कभी कभी होते हैं ना बच्चे शैतानी में एक दूसरे को मतलब ऐसे कीचड़ फेंक के मारते हैं, इस टाइप से होली खेली जाती है, यूपी साइड खेली जाती है। फिर उसके नेक्स्ट डे हमारे यहाँ रंग की होली खेली जाती है। तो एक्चुअली आज हमारे यूपी में आज होली नहीं है, होली हम लोग क्या कल है। तो बस यहाँ पर तो देखिए मॉमडन कंट्री है, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा होली सेलिब्रेशन वगैरह होता भी नहीं है, जो वैसे होते हैं ना बीचेस साइड पे, तो वो भी अप्रैल में है, यहाँ पर इस बार मार्च में भी नहीं है। और मेरी दीपक के साथ ये मतलब मैंने कभी दीपक के साथ होली खेली नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ कि मतलब ये फ्लैट है ना, तो वो लगता भी खेल तो लेंगे, पर उसका सफाई भी ना खुद को करनी पड़ेगी, तो भाई वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक बार सफाई कर ली बहुत बड़ी बात है। फिर वाइट कलर का फर्श है तो और मतलब लगता है कि ज़्यादा गंदा हो गया, तो फिर मतलब आप यहाँ पे फ्लैट को ना ज़्यादा छिड़खानी नहीं कर सकते हो, गंदा नहीं कर सकते हो, तो मतलब इसलिए ज़्यादा आप इसमें गंदा सोचो होली होली खेल लेंगे तो, क्योंकि यहाँ बाहर ना एक्चुअली अलाउड ही नहीं होता है होली, कि मैं आपको साइड में खेल लो या बाहर खेल लो, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर्टिकुलर कुछ कुछ जगहें बनाई जाती हैं जैसे बीचेस साइड पे, वहां पर आप होली सेलिब्रेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर दरवाजे पे आपको होली दिखेगी। चलो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का कैसे लग रहा होली के दिन। देखो ये है होली का मॉल, यहाँ पे ना एक बंदा दिख जाए ना आपको चलते फिरते गाड़ियां ही दिखेंगी बस। देखिए कोई नहीं, सब फ्लैट देखिए है ना, फ्लैट कोई भी नहीं, होली नहीं मिलेगा। देखो सामने ही फ्लैट है, कहीं दिख रहा आपको? ये मॉल है देखिए, एकदम वीराना टाइप का, बिल्कुल कोई भी नहीं। और ये होता है बाहर का मॉल, ही बैक साइड का सीन है, तो देखिए कुछ भी नहीं, यहाँ अलाउड ही नहीं है ऐसे खेलना।
या बाहर का माहौल तो लग रहा है ये हिंदू फेस्टिवल है, तो यहाँ पे लगता भी नहीं। अभी कोई मॉडर्न फेस्टिवल होता ना तो बहुत ज्यादा रौनक वगैरह रहती। तो ठीक है, सब अपनी कंट्री का अपना अपना है। इंडिया में भी चलो मुस्लिम रहते हैं, इस चक्कर में होली मतलब सॉरी ईद वगैरह काफी अच्छे से मन जाती है, अदरवाइज शायद वहां पे भी सेलिब्रेट ना होती। तो नहीं, अब जो है घर पे है जैसा। तो कल एक्चुअली हम लोग कल कलर ना ले आए थे, बड़ी मुश्किल से कलर भी मिले, मतलब गुलाल मिला कलर। तो एक्चुअली हम लोग खेलते ही नहीं, मैं कभी खेलती नहीं कलर से, तो गुलाल से खेलूंगी। तो दीपक के साथ मैंने कभी होली खेली भी नहीं है, तो आज मैं दीपक को थोड़ा सा गुलाल वगैरह से बस एक शगुन होता है वो करूंगी। और बाकी कुछ जाके ना शंकर भगवान के साथ मैं होली खेलती हूँ, सबसे पहले उनको गुलाल लगाऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर दीपक के साथ खेलेंगे। दीपक दोपहर में आ जाएंगे यदि बाय चांस उन्होंने हाफ डे लिया, या क्योंकि सर है नहीं एक्चुअली, तो हो सकता है हाफ डे लें और काम होगा तो मे भी ना भी लें, तो देखते हैं क्या होता है। तब तक चलो मैं उन लोग के लिए खीर वीर बना लेती हूँ, और सोच रही अंडा करी भी बना लूँ। वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अभी लाइक कर देना, जाते लास्ट में भूल जाते हो आप लोग। सो वीडियो देखते तो हो पर लाइक नहीं करते, सो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक ही बार सब्सक्राइब करना, बार बार मत करना, ठीक है। सो सिवाई भी बनाते हैं, सिवाई भी भगवान जी को चढ़ा देंगे। और गुजिया यहाँ देखिए खोआ वगैरह मिलता नहीं है, और घर पे खोआ ओंटना भी ना कम बड़ी बात नहीं होती, लगातार चलाना पड़ता है। मेरे हाथ मेरे बस की नहीं थी इस टाइम चलाना, तो गुजिया है वो तो मैंने बाहर से मंगवा ली थी। ये सिवाई है ना, ये रोस्टेड है, तो इसको आपको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रोस्टेड नहीं होती, बहुत सारी सब मान लो कि साइड पे जो चलती है ना सिवाई, कोई रोस्टेड होती कोई रोस्टेड नहीं होती, तो रोस्टेड नहीं हो तो फिर उनको रोस्टेड किया जाता, थोड़ा सा मैं घी डाल कर दी थी, पर ये रोस्टेड है तो इसमें जरूरत ही नहीं कुछ करने की। बस इसमें आप दूध डालिए अपनी सिवाई के अकॉर्डिंग, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा सा बिल्कुल आधा कप पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, और इसको पूरा बॉइल्ड होने तक पकाएंगे। फिर हम लोग के लिए, तीन लोग के लिए। सो इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में पकाएंगे, ठीक है। कभी भी ना इसमें जब भी दूध गर्म आप करो ना, तो कभी भी खीर के लिए तो कभी भी चीनी डायरेक्ट मत डालना, फट जाएगा दूध, कई बार फट जाता है। तो जब एक उबाल आ जाए उसके बाद आप चीनी डालना इसमें, ठीक है। एक उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चीनी डाल, तो मतलब दिख रही ज्यादा है पर वो उसका मीठापन ना ज्यादा नहीं होता है, तो मैं नहीं ज्यादा डाल रही। फीकी खाते हैं ना मीठी एकदम, मतलब दोनों हम लोग दोनों का टेस्ट सेम है, इवन राजू का टेस्ट भी सेम ही है, वो भी ज्यादा मीठा नहीं खाता है। अरे तो फीका भी नहीं खाते हैं, मतलब मीडियम वाला खाते हैं दोनों लोग हम लोग। अब खीर ही क्या जिसमें मिठास ना हो, पर हाँ इतना मीठा भी नहीं होना चाहिए ना कि वो चिपकने लगे, तो बस उतना मीठा नहीं खाते। बस इसकी एक ही उसमें ना जैसे बॉइल आएगा ना वो उसमें घुल जाएगी, क्योंकि पतली थी ना, महीन चीनी थी बहुत ज़्यादा, वो एक्चुअली राउंड शेप में बड़ी बड़ी थी, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे टुकड़ों में कर लिया है, इतने छोटे टुकड़े काफ़ी, तो इसको मैंने थोड़ा सा इतने इतने टुकड़ों में कर लिया है ताकि ईजिली ये उसमें उस बर्तन से बाहर ही निकलती, इस चक्कर में मैंने छोटा कर लिया। बस दूध ऑलमोस्ट हो गया, मैं इसको बंद कर देती हूँ, और अब बंद कर दिया ना देखिए फ्लेम। अब इसमें लास्ट में ये सिवई डालिएगा और बस ढक के रख दीजिएगा। सो बस डाल के इसको आप, सो आपने इसमें डाल दिया, बस इसको कुछ भी मत करिए, बस इसको ढक दीजिए। भी हो गई है रेडी, पूरा खाना रेडी हो गया। अभी ये लोग लंच पे आए तो बस खाना खाएंगे हम लोग साथ में, लोग आ जाएं फिर खाना खाते हैं, और सेलिब्रेशन बाद में करेंगे इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि तब। सो लंच पूरा प्रिपेयर हो चुका है, बस ये लोग आ जाएं, उनका भी वेट है, फिर खाना खाएंगे हम लोग, और सेलिब्रेशन हम लोग शाम को करेंगे, क्योंकि तब ये लोग आमे भी हो सकता है, अभी मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है कि ये लोग अभी हाफ डे लेंगे कि नहीं लेंगे, या शाम को जल्दी आएंगे। यदि शाम को जल्दी आ जाएंगे फिर सेलिब्रेशन शाम को करेंगे, शाम की चाय के साथ करेंगे हम लोग, क्योंकि जैसे टाइम होता है ना उस अकॉर्डिंग देखिए सेलिब्रेशन किया जाता है। जरूरी नहीं है कि दिवाली, जरूरी नहीं है होली सब लोग सुबह खेलते हैं तो हम लोग भी सुबह खेल पाएं। एक्चुअली हम लोग के पास, इन लोग के पास मतलब मेरे पास तो टाइम है, इन लोग के पास टाइम ही नहीं है, तो जैसा माहौल है जैसा जैसी जगह है तो वैसे इंजॉय करते हैं। तो मुझे एक बार इच्छा थी अपनी भाभी के साथ होली खेलने की, पर मैं वहां पर भी होती तो भी नहीं खेल पाती, क्योंकि हम लोग की साइड क्या होता है यूपी साइड पे, कि पहले मुझे और जगह का नहीं पता, लेकिन मुझे अपने यहाँ का पता है कि पहले जो लड़की की शादी होने के बाद पहले साल में जितने भी फेस्टिवल होते हैं सिर्फ दिवाली को छोड़ के, सारे फेस्टिवल लड़की के मायके के होते हैं, वो शुभ माने जाते हैं कि लड़की को अपने मतलब सारे फेस्टिवल अपने घर से मायके से उठाने चाहिए सारे, तो सारे फेस्टिवल वहीं के ही होते हैं, सिर्फ दिवाली क्योंकि लक्ष्मी का रूप होता है बहू, तो लक्ष्मी के लिए वो ससुराल में अवेलेबल होना जरूरी है लगा दिवाली के दिन, बाकी आप फेस्टिवल एक साल के सारे अपने मायके के मनाए जाते हैं। तो अभी इस साल तो आप बच गए, नेक्स्ट ईयर नहीं बचने वाले हो, तो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, और नेक्स्ट ईयर मैं क्या सब लोग आप सब जितनी बहनें सब आपके साथ होली खेलेंगे।
ऊंटा आ गया। क्यों आ गया? सराय थे ऑफिस? तो कितने बजे की फ्लाइट है? अच्छा, तो सर को बोल के आएगी छुट्टी पे हाफ डे? बताएं, अभी ये वीडियो जा रही है, अब सर देखेंगे आओगे? अच्छा, इसलिए जान मुझे कितनी वीडियो बनाई, लैपटॉप खोल लिया सामने, कि सर घर से काम कर रहा हूँ। वेरी चलाक, वेरी चलाक। भाभी का मैं फोन आया था कि जिया जी को विश कर देना। भाभी खुद कर दो, अब ये वीडियो तो लेकिन होली के बाद जाएगी। अभी सो रही होंगी वो, नहीं उठ गई होंगी, 3 बज रहे। उठ रहे, उठ, 3 तो यहाँ बज रहा, मतलब वहां पे 4:30 करीब हो गए होंगे, उठ गई होंगी। करवाते हैं बात। चलो अपन लोग भी सबको विश कर दें, मामी मामी को, मामी जी को, बुआ जी को, सबको आ रहा था, किस किस का। मुझे तो भी आ रहा था, मुझे लगा छुट्टी होगी तो सबको कनेक्ट करके वो करते हैं बात। मैंने कहा मैं लंच में जाता हूँ तब करते, नहीं तो शाम को करेंगे। तो लगाओ, चलो ठीक है, लंच में करते हैं। लगाओ फिर, हम लगा दे रहे, आप मत लगाओ, अपने व्हाट्सएप से लगा देते हैं। ठीक है, किस किस को ऐड करना, किस किस को प्यार करते हो, वही कह किस किस को प्यार करते हो। अब जिसका बेटा नाम नहीं लोगे ना, अब वो समझ जाएगा आप उसको प्यार नहीं करते। बता दो, बता 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 बता, पहले बताओ, पहले बताओ, किस किस का, कौन कौन सगा है आपका, किसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो? मतलब उसको कर लेते ना, रंजन को, सुनो को। आसन को प्यार करते हो बस आप, हैं बहनों को, हैं हमारी बहनें, हमारी बहनों ने क्या बिगाड़ा आपका, उनको हैं? तुम ऐड करोगे ना? देख लो दीदी, आप लोग से पहले रंजन सन्नू को रखता है। साले तो भाई पार्टी देते ना साले, इसलिए सगे हैं साले। साली आप कहाँ पार्टी देती, नहीं है ना, है ना, है ना। देखो ये चेहरा देखो, इस मासूम चेहरे पे मत जाना कोई, इस मासूम चेहरे हेलो, भूख लग रही है, पे हमने कुछ बनाया ही नहीं है। कुछ खिला दो फिर उसका तो लगाता हूँ कलर को। मैं आपने हमें होली विश नहीं करी, मैसेज विश कर रहे हो। सो आपको क्या मतलब, आपको विश करके जाना चाहिए थे ना। विश करके गया था, ओ सुना था खा जाओ भाई, कसम झूठे, रात रोज होली होती है क्या? आप पता, बुआ जी ने वो भेजा था ना पड़ा, और देखो वो सही था ना, सही था ना, देखा। नाक फुला के क्यों कर रहे हो? ये गुजिया किसने बनाई? गुजिया किसने बनाई? मोटे मोड़े रुक जाओ, हम पहले वो लगा देते हैं, आओ इधर लगा दो। और ये कपड़े गंदे मत करना, गंद कर ही दिए। हैप्पी होली, हैप्पी होली मोटे। बाल मत गंदे करो, मैं धोना नहीं है, अभी तुले बाल थे हमारे। चलो लाओ को टीका लगा दे, उधर देखो। हाँ अब राजेश को लगाते हैं। कहाँ कपड़ा लाओ, करते नहीं, नहीं ठंडा लग जाए, पानी नहीं करो यार, फोन वो ना जेब में यार, फोन वो ना जेब। फोन हटाओ, फोन हटाओ, लाओ है तो। अरे कभी कपड़े तो कपड़े आपको पहले चेंज मिलता है क्या? हाँ यहाँ पे, यहाँ पानी क्यों डालोगे, पूरा घर गंदा हो जाएगा।
नीचे मिल जाएगा कोई आने वाले को। हाँ तो हो गया ना, चलो नहीं करो रे बाहर। तो खेल लो पर ये होता, सफाई कौन करेगा, सफाई कौन करेगा यहाँ की सफाई क्यों हो रही है? आपको नहला तो हम पाए नहीं है, लेकिन थोड़ा अभी नहला सकते हैं, मौका है। आपको बेटा ऑफिस का काम ना करना होता तो हम 100% नहला देते हैं आपको। ऑफिस का काम नहीं करना होता ना। हाँ, नहीं रहता तो फिर मजा, टाइम दिया उसको ना 15 मिनट। तो आपने 15 मिनट का टाइम क्यों दिया उसको? सो देखो ये होता है होली खेलने के बाद ना। दीपक काम कर रहा है, फैलाया हमने है, समेट दीपक रानी। हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो अभी थोड़ी सी पार्टी और शुरू है, दीपक काम कर ले, फिर करते हैं हम लोग टी पार्टी, स्नैक पार्टी, ठीक है? यहाँ बहुत टफ है पता, ये पानी निकाला ना। हम भी अब करते हैं, 10-15 मिनट लग जाते हैं इसको पानी निकालने में। वो पोछे से कर देंगे, छोड़ दो। कपड़े चेंज हो गए हम लोग के, मेरे भी हो गए, दीपक के भी हो गए, फालतू में गंदे हो गए। कभी कभी खलता है ऐसे दोबारा नहाना मुझे तो बस अब हम लोग थोड़ी सी अपनी पार्टी वार्टी करेंगे। दीपक चाय लेकर आ रहा है, चाय में रख गई थी, दीपक लेकर आ रहा है छान कर, और कुछ पापड़ वगैरह खाएंगे और गुजिया है, लड्डू है। सो हम लोग यहाँ बैठ के थोड़ी सी गपशप करेंगे। अभी राजेश को कहीं जाना है, अदरवाइज हम लोग कार्ड वार्ड भी खेलते हैं यहाँ पे, पर उसको जाना है। सो बस चाय वाय पी के हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। क्या होली का डिनर, होली डिनर, होली डिनर माय फेवरेट, बटर पनीर मसाला एंड पराठा। सो ये मेरा यहाँ का फेवरेट चीज है, ओपन करके दिखाते हैं। ये है बटर पनीर मसाला, एक फातिमा रेस्टोरेंट है यहाँ का, मुझे बहुत ही पसंद है ये। बस इसमें एक चीज लगती है मुझे, इसमें किशमिश डालते ना, उस किशमिश के चक्कर में ना मुझे पूरा इसका पोस्टमार्टम करना पड़ता है, मुझे किशमिश पसंद नहीं है बिल्कुल भी। और पराठा, ये ऐसे वाले पराठे मिलते हैं। इसके ब्लॉग देख रहे हो मोटे, है मोटे ठाकुर श्वेता सिंह के। हाँ मोड़ा, आप पंजीत के ब्लॉग बहुत मन से देखते हो, हमने ये चीज नोटिस करी है। इतने तो हमारे ब्लॉग मन से नहीं देखते हो ना, है ना, है ना, है ना, हीना 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 हीना, है ना, ऐसा है ना, ऐसा ही है। हमने कई बार आपके एक्सप्रेशन हम नोट करते हैं ना, आपके देखते हुए खो जाते हो, इतना खो जाते कि लाइक करना भी भूल जाते। हमने लाइक करवाया पंजीत जी, जो कितने मजे हमसे देख रहे, हमारे ब्लॉग नहीं चलते कभी इसमें। पंजीत तुम्हारी ये क्या दानी बड़ी मस्त है ना, सेम एंजॉय करते, ऐसी होनी चाहिए ना कंपनी, एक जैसे लोग होने चाहिए। ये अपनी वीडियो क्यों देखी जा रही है वैसे, है अपनी वीडियो क्यों देखी जा रही है? और देखो अपनी वीडियो कितने मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हो, हमारी वीडियो नहीं देखते इतने मुस्कुरा के कभी। देखो 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 आके नीचे पक रही हैं। ओए ओए बटे, हाँ देखो खुद को देखो, ये 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 Thank you.